मंत्री पद से आपने इस्तीफा दिया है, क्या कारण था? अरे कोई विशेष कारण नहीं है, है जब तो बहुत बड़ा कारण है। मेरी न तो कोई मुख्यमंत्री जी से नाराजगी है, न संगठन से नाराजगी है। आपको पता है जिस क्षेत्र में मैंने 40 साल तक काम किया, और एक बार तो स्थिति ऐसी बनी मीणा गुजर आरक्षण के दौरान, जब मेरे को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, उन लोगों ने अब की बार तनिक भी नहीं सुनी और इस बहकावे में आ गए कि मोदी जी आरक्षण को खत्म कर देंगे। मोदी जी ने 2019 में आरक्षण 2029 तक बढ़ाया है, और मोदी जी ने यहां तक कह दिया था साक्षात डॉक्टर अंबेडकर भी जन्म ले ले तो भी मोदी आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने वाला नहीं है। लेकिन इस बहकाव में माके जिनकी मैं सतत सेवा करता रहा, हर दुख दर्द में संभालता रहा, चाहे वह आमागढ़ की टेढ़ी पहाड़ियों पर रास्ते में चढ़ा जाए, सांप हो, घोड़ा हो, पैंथर हो, चाहे वीरांगनाओं के मामले को लेकर पुलिस कपड़े फाड़ दे, बेइज्जत कर दे, हर जाति हर वर्ग विशेषकर एसटी के लोगों की मदद की थी, लेकिन वो विमुख हो गए और मैं मेरे क्षेत्र में पार्टी को नहीं जिता सका, तो ये मेरी विफलता है। और ये इसलिए मैंने घोषणा की थी चुनाव के दौरान कि अगर ये सीटें हार गए, विशेषकर टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और दौसा, तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। तो घोषणा थी तो पूरी की है, मैंने छोड़ दिया। डॉक्टर साहब, इस्तीफा आपने किसको दिया, कब दिया? मैंने मुख्यमंत्री जी को 5 जून को भेज दिया था, फिर मुख्यमंत्री जी से मिला एक दिन, उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी भी स्थिति में इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे, तो बाद में मैंने उसको पोस्ट से भेज दिया। विधानसभा तो मैं आऊंगा, विधायक के नाते तो आऊंगा ही, पर जो सरकारी साधन है, बंगला है, वो सब सुविधाएं मैंने छोड़ दी। 1.5 महीने से मैं मेरे वाहन से और मेरे निवास पे ही रह रहा हूँ। जब मैंने नैतिक दृष्टि से वो इस्तीफा दे दिया, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं सत्ता के सुख जो होते हैं उनका उपभोग नहीं करूँ। आपको चूंकि मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा आपका इस्तीफा, क्या पार्टी आलाकमान की तरफ से भी कोई संदेश है? अब संदेश तो आया है, पार्टी आलाकमान बात करेंगे तो उनसे चर्चा करेंगे, और मैं पार्टी आलाकमान को भी ये आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि मैं पूरी तरह से पार्टी का संगठन में काम करने के लिए तैयार हूँ, सत्ता में रहते हुए सरकार को सहयोग देने में तैयार हूँ, हर तरह का काम करूंगा। मेरे को दौसा की जिम्मेदारी दी है तो वहाँ भरपूर काम करूंगा पार्टी को उपचुनाव जिताने के लिए। दिल्ली बुलाया है आपको, कल आप बता देंगे किरोड़ी लाल मीणा जी, आपने चूंकि चुनाव से पहले कहा था कि यदि ये 7 सीटें नहीं जीते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। राजस्थान में यदि 25 सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती है और केंद्र में आपकी सरकार भी बनी है, मोदी की सरकार बनी है, तो ऐसी स्थिति में मैं बाकी के हिसाब किताब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं वर्षों से जहां काम कर रहा हूं, जिनके लिए हर संकट में खड़ा रहता हूं, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए मन टूट गया। तो मैंने घोषणा कर दी थी चुनाव के दौरान, तो उसकी पालना करना मेरा नैतिक दायित्व बनता है, इसलिए मैंने इस्तीफा दे। लेकिन पूरे देश की यदि बात की जाए, यूपी की भी कई सीटें हैं जहां पर भाजपा हार गई, राजस्थान में चूंकि आपने कुछ मैं तो मेरे इलाके की बात कर रहा हूं, चूंकि मैंने घोषणा कर दी थी और किसी नेता ने ऐसा कहा नहीं था, मैंने ही कहा था इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। राजनीति में ये भी चर्चाएं होती है कि किरोड़ी लाल मीणा जी ने इस्तीफा दे दिया, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी या कुछ बड़ा पद वो चाह रहे हैं, ऐसा कोई है? बड़ा पद चाहने की लालसा होती तो जैसे मेरे को जिम्मेदारी थी तभी मैं मना कर देता। मैंने किसी मीडिया वालों को नहीं कहा, किसी को नहीं कहा कि मेरे को पद नहीं दिया। मेरे को 2 विभाग दिए मुख्यमंत्री जी ने, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र जो मेरे मन के हैं, मैंने खूब मन लगा के उनमें काम किया है, रिकॉर्ड कनेक्शन किए हैं हमने उसके कुसुम योजना के किसानों को 50,000 एक ही दिन में दिए हैं। पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 साल में दिए, हमने एक ही दिन में दे दिए। और देश में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है राजस्थान का, उसको ऐसा मजबूत खड़ा किया है कि नंबर टॉप पर राजस्थान का सेल्फ हेल्प ग्रुप है। राजीव का काम सबसे
टॉप है और जो भ्रष्ट अफसर थे उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की है, जिनको मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, चाहे एग्रीकल्चर में हो चाहे नरेगा में हो, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आपकी छवि उन नेताओं की रही है जो सड़क पर उतर के आंदोलन करते हैं, अब चूंकि आप मंत्री पद पर रहते हुए शायद अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं तो मंत्री पद पर रहते हुए भी यूनिवर्सिटी के आरएस के धरने पर पहुंच गया था और मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया, उन्होंने की मांग मान ली, परीक्षा पोस्टपोन कर दी। मैं तो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था भाई जल जीवन मिशन के घोटाले की सीबीआई जांच करा, उन्होंने आदेश दे दिए, सीबीआई से जांच हो रही है। मैंने हॉर्टिकल्चर उद्यान की जो जमीन करोड़ों की थी, कौड़ियों के भाव अफसरों ने अलवर में खुर्द मुर्द कर दी, मुख्यमंत्री जी ने मेरे पत्र लिखने पर उसको निरस्त कर दिया। तो मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि जैसे मैं सरकार को अब तक पहुंचाता आया हूं, वैसे आगे ऐसी चीज पहुंचाता आऊंगा जो जनता को नुकसान कर रही हो, भ्रष्टाचार फैला रहा हो, कार्यकर्ताओं के साथ दमन हो रहा हो, कानून की स्थिति कहीं बिगड़ रही हो, विकास के काम में किसी प्रकार का कोई हेर फेर हो, ऐसी चीजें मैं सरकार की जानकारी में डालता रहा। लास्ट दो सवाल हैं मेरे। गोविंद सिंह डोटासरा ने आपके मंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के ऊपर आज सुबह कटाक्ष किया है, कहा आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी, आपको समय नहीं मिल रहा था और आप जैसे ईमानदार सभी वाले जो नेता है वो उनके साथ है। कौन? गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा आप जैसे ईमानदार सभी वाले नेता जो अपनी बात पर अड़िग रहते हैं उनके साथ है। अब देखो, गोविंद सिंह डोटासरा तो उनका जो तंज है या उनका बयान है हमारी पार्टी को या सत्ता को कैसे नुकसान हो, उस दृश्य से दिया वो बयान है, लेकिन हम तनिक भी न तो सत्ता को न संगठन को नुकसान होने देंगे। लास्ट सवाल, अभी आपने मंच से धार्मिक जो कार्यक्रम था उसमें मंच से आपने कहा है कि आदिवासी होने के नाते, जनजाति के होने के नाते आपको आरक्षण मिल रहा है, वो हिंदू जो अपना धर्म बदल लेता उसको आरक्षण नहीं। ये तो मैंने संसद में भी उठाया और कई मंचों पर उठाया कि जो आदिवासी या जो एसटी दूसरा धर्म बदल लिया, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन बन गए, तो उनको आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो आरक्षण तो एसटी के मापदंडों के हिसाब से मिला है। अब वो उसने दूसरा धर्म धारण कर लिया तो आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होता, वो तो क्रिश्चियन बन गया और इसलिए उसका आरक्षण खत्म होना चाहिए, उसको वो फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए जो एसटी रहते हुए दी गई थी। मैं पुरजोर इसका विरोध पहले भी किया और अब भी कर रहा हूं। लेकिन राजस्थान में जो आदिवासी पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी, उससे जुड़े जो सांसद है राजकुमार रोज और कांग्रेस के जो रामकेश मीणा विधायक है, वो आदिवासियों को हिंदू ही नहीं मानते। नहीं, पर उन्होंने जो भी है कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, पर उनकी बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। आप रोज साहब का मैं फोटो बताऊं, एक वीडियो दूंगा कि वो जो माता जी हैं, क्या माता नाम है, त्रिपुरा सुंदरी, उसमें पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। रामकेश मीणा हर मास को गोवर्धन जी जाते हैं, दैनिक पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, सब हिंदू परंपराओं को मानते हैं, लेकिन वोट पाने के लिए वो कह देते हैं हम हिंदू नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वोट की राजनीति अपने धर्म में आड़े नहीं आनी चाहिए। रामकेश मीणा हो चाहे गोपाल मीणा हो चाहे रोथ हो, इनके बयान को मैं उपयुक्त नहीं मानता, इनको मैं परंपराओं के, मर्यादाओं के, धर्म के विरोध में मानता हूं, क्योंकि मैं भी पीपल को पीसता हूं, मैं भी तुलसी को पूजता हूं, तो रोथ भी पीपल को पूजता है, तुलसी को पूजता है, तो मैं हिंदू हूं तो वो भी हिंदू है। इसलिए ये कहना कि मैं हिंदू नहीं है, दूसरी तरफ आप पूजा कर रहे हो और जैसा आज आपने जगतगुरु शंकराचार्य को सुना होगा कि इस जमीन पर जो भी है वो सनातनी है और उनको उन्होंने प्रमाण दिए, इसलिए चाहे मुसलमान हो चाहे आदिवासी हो चाहे कोई और हो, वो जो इस देश में बसता है, रमा है, रहा है, जो प्रकृति में विश्वास करता है, जो गंगा को माता मानता है, इस देश को अपना सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रोत्कर्ष हो ये मानता है और पावन ग्रंथों को पूजता है, वो सब हिंदू है। ये जो बयान दे रहे हैं ना, ये जो हमारे मीणा नेता, आदिवासी नेता, ये लोगों को बरगलाने के लिए दे रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, इनका दिमाग दूषित हो गया है।